मोहालीस्थित पंजाब पुलिस गुइंदा मुख्यालय सोमवार राति रॉकेट चालित ग्रेनेड्रे आक्रमण होता। यह आक्रमण में मुख्यालय कोठा सामान्य क्षतिग्रस्त होती। तबे पंजाब पुलिस गुइंदा कार्यालय आक्रमण एक बड़ षड्यंत्र अंश बोली संदेह करा जाउछि। आक्रमण पछरे खलिस्तानी आतंकवादी हाथ थाईपारे बोली कहा जाइछि। घटना परे समग्र पंजाब रे हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। गतकाली संध्या 7:45 रे सेक्टर 77 SAS नगर रे थिबा पंजाब पुलिस गुइंदा मुख्यालय परिसर रे मामूली विस्फोरण होता। विस्फोरण स्थल में फोरेन्सिक टीम जांच करी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान डीजीपी घटना संपर्क में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। गतमास एप्रिल 24 तारीख में चंडीगढ़ बुडेल जेल रे निकट रे विस्फोरक सामग्री जबत होता। गत सप्ताह हरियाणा करनाल 3-4 खलिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्त कर निकटू विपुल परिमाण अस्त्रशस्त्र विस्फोरक सामग्री जबत होता। यह दुईट घटन किछि ना किछि तालमेल रहिछि बोली पुलिस अनुमान करुछि। दुई दिन तले हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाहर खलिस्तानी पताका एवं किछि लेखा देखिबाकु मिलिथिला। ये सबु दृष्टिरु खलिस्तानी आतंकवादी माने पुणि सक्रिय होइतिबा गुइंदा विभाग संदेह करुछि। Not be seen in isolation, just 3-4 days prior, 4 terrorists with IDs were arrested from Karnal, and 15 days prior to that, on 24th April, detonators and wires were found outside the high security jail in Chandigarh. So this is not an isolated case. It is both shocking, disturbing, as well as a serious security lapse. Perpetrators must be caught, and the law of the land must take place.